गुलाबी नगरी में सुबह सुबह मौसम का मिजाज बदला, जिससे लोगों को राहत तो मिली लेकिन शहरवासियों को आफत का सामना करना पड़ा। जगह जगह पानी भरने से लोगों को परेशानी हुई, साथ ही शहर के निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। इस वजह से कार और दोपहिया वाहन भी अटके हुए देखे गए। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राजधानी जयपुर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। जयपुर के अलावा टोंक, दौसा और भरतपुर में भी भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा सीकर, अलवर, सवाईमाधोपुर, नागौर, अजमेर और बीकानेर में भी बरसात के आसार हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे। ऋषभ, क्या कुछ अपडेट है? मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। बिल्कुल, देखिए आशीष, लगातार जिस तरह से मानसून अगस्त महीने के शुरू होने के बाद से ही राजस्थान पर मेहरबान दिख रहा है, तो उसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और जैसे बारिश चल रही थी उसी तरह की बारिश आज होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने दो दिन पहले ही 14, 15 और 16 तारीख के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ था, जिसमें 14 और 15 तारीख के लिए रेड अलर्ट की बात कही गई थी, जिसमें अत्यधिक बारिश होने की बात कही गई थी। और उसका असर साफ तौर पर सुबह से ही देखा जा रहा है। सुबह से ही आसमान में जो बादल है वो छाए हुए हैं और लगातार अगर आप देखें शहर के कई इलाकों में कहीं पर तेज और कहीं पर धीमी बारिश लगातार देखी जा रही। कानोता इलाके में इतनी बारिश हो चुकी है कि वहां घरों में पानी भरना शुरू हो गया है और इधर मालवीय नगर और जो आपके इधर पूरे इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश का दौर जारी है लगातार। इसके साथ साथ मौसम विभाग ने जयपुर, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली जो जिले हैं यहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की हुई है। और साथ ही साथ राजधानी जयपुर में करीब 1 से 2 भारी बारिश के इस पल की बात कही गई है। जी आशीष जी, बिल्कुल ऋषभ, राजधानी जयपुर को लेकर विशेष अलर्ट जारी किया गया है, भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बिल्कुल आशीष, देखिए मौसम विभाग ने आगामी 2 घंटों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की, जिसमें 1 से 2 स्पेल की बात करी जा रही है। और यदि बीते दिनों को देखा जाए जब मौसम विभाग ने इस तरह की अपडेट जारी किए थे तो उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जो तेज हवाएं हैं साथ ही साथ करीब 5 से 7 सेंटीमीटर की बारिश की बात कही गई थी। और आज जब ऑरेंज अलर्ट के साथ जारी किया गया तो करीब आप मान लीजिए कि करीब 10 सेंटीमीटर की बारिश होने की जो मौसम विभाग का अलर्ट है वो देखा जाएगा। तो करीब करीब जो जिस तरह की बारिश सुबह से चल रही है तो लगातार जो मौसम विभाग अपडेट जारी कर रहा है तो राजधानी जयपुर में असर बिल्कुल देखने को मिलेगा। और जिस तरह के राजधानी जयपुर में बीते 2 दिनों में जो जल भराव की समस्या देखी गई तो लोगों को आज दिन भर समस्या का सामना करना पड़ेगा। जी आशीष जी, बिल्कुल ऋषभ, अंतिम सवाल आपसे, प्रदेश में क्या स्थिति मौसम विभाग बता रहा है, क्या चेतावनी प्रदेश के लिए है? साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि सामान्य से कम बारिश प्रदेश में हुई थी तो अब लगातार पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है, तो ऐसे में क्या स्थिति है प्रदेश की? बिल्कुल, देखिए आशीष, यदि बात करी जाए तो जब एक हफ्ते की यदि बात करी जाए तो इसके पहले जब बारिश थी तो करीब करीब -22% चल रहा था राजधानी माफ कीजिएगा प्रदेश का जो आंकड़ा था, लेकिन इस वक्त वो करीब कम होकर 12 से 13% आ चुका है। राजधानी जयपुर जो -25 चल रहा था वो 17 से 19% के बीच आ चुका है। तो कहीं ना कहीं जो असर है वो देखा जा रहा है। मानसून जिस तरह से अगस्त सितंबर तक प्रवाह रहता है और अगस्त में जितना एक्टिव दिखाई देता है राजस्थान में, तो उसके चलते जो फीसदी थी वो कम होती जा रही है और आगामी दिनों में जो बारिश है वो ज्यादा होगी और कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से बांध में लगातार पानी बढ़ रहा है, यदि देखा जाए तो राजस्थान के करीब 5 बांध ही ऐसे थे जिनमें ज्यादा पानी था, लेकिन लगातार जो बारिश हो रही है उससे बांधों में पानी आ रहा है। बीसलपुर बांध जो करीब 90 लाख लोगों की प्यास बुझाता है उसमें जल स्तर है वो बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आगामी दिनों में जो असर है वो बिल्कुल देखने को मिलेगा और जो सामान्य बारिश है वहां तक आंकड़ा पहुंचने के आसार है। हालांकि इस बार मौसम विभाग की माने तो सामान्य से ज्यादा बारिश के आसार बहुत कम देखे जा रहे हैं। जी आशीष जी, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे, जिन्होंने अपडेट दी मौसम को लेकर राजधानी के लिए। अगले 2 घंटों के लिए विशेष चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है, तो साथ ही साथ जयपुर के अलावा कई जिलों के लिए भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। बुलेटिन में अब बात करते हैं 15वीं राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र।